आप लोग अच्छी रील्स एंड क्वालिटी कंटेंट भी क्रिएट करते हो, आप लोग कंसिस्टेंसी से कंटेंट को अपलोड भी कर रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपकी जो रील है वो वायरल नहीं हो रही है और उसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है आपकी इंस्टाग्राम सेटिंग्स। आप सब कुछ तो अच्छा कर रहे हो बट जो आपका इंस्टाग्राम है वो आपकी रील्स या फिर आपके अकाउंट को ज्यादा लोग तक इसलिए नहीं पहुंचा रहा बिकॉज आपने इंस्टाग्राम की सेटिंग कर ही नहीं रखी है। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग को कौन कौन सी इंस्टाग्राम की सेटिंग को सही करना है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे तो प्लीज इस वीडियो को एक बार आप एंड तक देख लेना बिकॉज थोड़ा सा वीडियो क्या पता लंबा हो सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम की मैं हर एक सेटिंग बताने वाला हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अकाउंट को ग्रो करने के लिए। सो बड़े वीडियो में एंड तक, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टाइम को किल ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम की जो बेसिक चीज होती है वो ये होती है कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल है या फिर नहीं है, आपने अपने अकाउंट पे सब कुछ सही कर रखा है फिर नहीं कर रखा है। अगर ये अभी तक आप नहीं जानते हो तो प्लीज यार मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड है बिकॉज मैं खुद एक सीरीज चलाने लग रहा हूँ जहाँ पर आपको सिखाने लग रहा हूँ। सिंपली आप लोग मेरे चैनल पे जाना और वीडियो देखना स्टार्ट कर देना कि अपने अकाउंट को प्रोफेशनल कैसे करते हैं, बायो कैसे लिखते हैं, आपको मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है 3 डॉट वाले ऑप्शन पे। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपकी सारी सेटिंग्स ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर जो अकाउंट सेंटर होता है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना बिकॉज यहाँ पर कोई भी अकाउंट को ग्रो करने की सेटिंग नहीं होती है। हम आते हैं नीचे जहाँ पर सेव्ड है, आर्चिव है, नोटिफिकेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, इसका भी कोई काम नहीं है। इनसाइट्स है, शेड्यूल है, क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर एक बहुत बेस्ट ऑप्शन जो हम यूज करते हैं, क्रिएटर यूज करते हैं, वो होता है ये आस्क्ड क्वेश्चन वाला। यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन लगा देते हो जैसे उस पर लोग टैप करेंगे और आपका वो जो आंसर होगा पहुंच जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल मैं लगाया हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करना है क्या, आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। तो जब लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या मैसेज जाएगा, देखो इंस्टाग्राम पर ज्यादा रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। मतलब अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते हो ना तो आपके लिए बहुत बेस्ट चीज है, आपके पास व्हाट्सएप पे लीड आ जाएगी। सेकेंड में क्या लगाया हूँ, टेलीग्राम हैशटैग, मतलब ट्रेंडिंग हैशटैग, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रेंडिंग हैशटैग मैंने ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर दिए हैं। वेबसाइट लिंक है, मेरा फॉलोअर्स वेबसाइट था, लिंक था, मैंने ये भी लगाया बड़ा, इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, इसको आप यहाँ से ऑन कर दोगे, देखो ऑफ है, इसको आप सिंपली यहाँ से ऑन कर दोगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर एड क्वेश्चन करोगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, जो क्वेश्चन होगा आपका, एंड यहाँ पर आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरह से ऐसा कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट सेटिंग नीचे आती है वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि देखो स्विच अकाउंट टाइप, आपको अपना अकाउंट बिजनेस में करना है, पर्सनल करना है तो बिजनेस में करोगे मुझे पता है, या फिर प्रोफेशनल करना है आप कर सकते हो। और मोनेटाइजेशन स्टेटस देख सकते हो आप यहाँ पर कि आपका जो पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं हो आप, कोई पॉलिसी मतलब वैसे तो नहीं किया आपने, ठीक है। तो मैं अभी किसी पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा सब कुछ सही है। यहाँ पर पता नहीं अभी एक आने लग रहा था तो मैंने उसको अभी सही कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत तो कभी कभी होता रहता है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और प्राइवेसी अकाउंट पॉलिसी में यहाँ पर देखना है आपको आपका अकाउंट प्राइवेट ना हो। जैसे यहाँ पर अगर आप ऑफ है मेरा प्राइवेट तो उसको ऑफ ही रहने, नीचे भी ऑफ कर लेना, ठीक है। जितनी भी मैं सेटिंग अपने दिखा रहा हूँ मेन अकाउंट की, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो है क्रॉस पोस्टिंग। अगर आप लोग ये कर देते हो ना तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपकी जो रील है वो अदर लोगों तक जाना स्टार्ट हो जाएगी, रिकमेंडेड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं ऑन किया हूँ रिकमेंडेड रील्स ऑन फेसबुक, इसको आप लोग जरूर ऑन कर देना। और ये ऑन आप तभी कर सकते हो जब आपका एक फेसबुक पेज होगा और इंस्टाग्राम से वो कनेक्ट होगा, ठीक है। ये आप लोग कर लेना, अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मैसेज एंड स्टोरीज रिप्लाई में, अगर आज ये चाहते हो कोई मुझे पर्सनल मैसेज ना करे तो मैसेज रिक्वेस्ट में जाना है आपको, आपको यहाँ पर ओनली मी कर लेना है, या फिर रिक्वेस्ट में जैसे यहाँ पर ओनली फॉलोअर्स कर लेना है, डॉग रिसीव मैसेज वगैरह कर लेना है। बट मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मैसेज करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लोग मुझे फॉलो करें। उसके बाद टैग्स एंड मेंशन में आपको पता है, अगर आप चाहते हो कि आपको हर कोई टैग करे तो आप एवरीवन कर देना। आपको मैनुअल टैग्स चाहिए कि नहीं मुझे इसी का टैग लेना है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। रिव्यू टैग कर सकते हो, इतना कोई नीड नहीं है इन सबकी आपको। उसके बाद नीचे आते हैं शेयरिंग एंड इस पे, ठीक है, रिव्यूज पे आपको यहाँ पर सारा कुछ ऑन कर देना है, बस इसको ऑफ रखना है डाउनलोड्स को। अगर आप डाउनलोड को भी ऑन कर दोगे तो कोई भी रील्स, कोई भी पर्सन आपकी रील को डाउनलोड कर सकता है, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, लोग आपकी डाउनलोड की रील डाल सकते हैं। उसके बाद आपको आना है फॉलो एंड इनवाइट में, यहाँ पर फ्लैग फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। अगर कोई भी पर्सन आपके अकाउंट पे फेक फॉलोअर्स डालता है तो यहाँ पर वो फेक फॉलोअर्स रिमूव कर देता है, ठीक है।
उसके बाद आपको नीचे आना है सजेस्टेड कंटेंट पे। यहाँ पर देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ पर कीवर्ड डाल दो, ऐसा डाल दो, भाई ऐसा तो कुछ नहीं होता। मैंने कुछ नहीं डाला फिर भी मेरा अकाउंट ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो मैं एक सच्चाई बताने लग रहा हूँ आज। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है वो होती है मीडिया क्वालिटी। इसको आप बहुत ध्यान से देख लो, अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को आपको ऑन कर देना है, जो सेकंड नंबर वाली है, और बाकी के जो दो है उनको ऑफ रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एक नेक्स्ट आती है वो आती है अकाउंट स्टेटस। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके अकाउंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे रिमूव कंटेंट आपका है, फिर जैसे मेरा जो है सारा कुछ ग्रीन है। अगर आपका सारा कुछ ग्रीन नहीं है, कुछ बहुत रेड, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर सोल्यूशन जरूर लाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जरा कुछ सेटिंग्स में होता नहीं है, बाकी यही कुछ सेटिंग्स होती है इंस्टाग्राम अकाउंट की, जो आपके अकाउंट को ग्रो करता है। बाकी जैसे अकाउंट सेंटर में क्लिक करता हूँ यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर होता है अपना पासवर्ड आपको चेंज करना है, पर्सनल डिटेल लगानी है, मेटा वेरीफाइड कराना है अकाउंट का, अगर पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, किसी फेसबुक अकाउंट को रिमूव करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी जितने भी लोग आपको बोलते हैं कि सजेशन कंटेंट में जाओ ऐसा मुझे कोड लिख दो, तो आपके मैंने सामने दिखा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला हुआ है, बट फिर भी मेरे रील्स पर आप देख सकते हो कि आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेरे रील्स पर लाखों में मिलियंस में व्यूज आने लग रहे हैं। मैंने कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं डाला है। आप लोग जो कह लोग बहुत सारे क्रिएटर कहते हैं कि सजेशन कंटेंट में जाओ ये करो वो करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, ठीक है। बाकी यही थी आज कुछ सेटिंग्स जो कि आपको इंस्टाग्राम पर करनी है। बाकी इसके अलावा अगर और भी कोई वीडियो चाहिए आपको तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा। बाकी चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आप लोग की रील्स पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं आपके अकाउंट में, तो आप सिंपली इंस्टाग्राम पे जाओ, सर्च करो मिस्टर issue04, या फिर आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप कोई भी मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन वहां पे दे दूंगा। सो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।